एक तरफ देश उत्सवों में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान के किसी कोने से जब हिंसा की खबरें आती हैं तो देश को चिंता होना बड़ा स्वाभाविक है। यह हमारा देश बुद्ध और गांधी का देश है। देश की एकता के लिए जी जान लगाने देने वाले सरदार पटेल का देश है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने सार्वजनिक जीवन मूल्यों को, अहिंसा को, समादर को स्वीकार किया हुआ है, हमारी जहन में भरा हुआ है। अहिंसा परमो धर्म, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, कहते आए हैं। मैंने लाल किले से भी कहा था कि आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो सांप्रदायिक आस्था हो, चाहे वो राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति आस्था हो, चाहे वो व्यक्ति के प्रति आस्था हो, चाहे वो परंपराओं के प्रति आस्था हो। आस्था के नाम पर कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है उसमें हर व्यक्ति को न्याय पाने की हर प्रकार की व्यवस्था है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, कानून हाथ में लेने वाले, हिंसा के राह पर दमन करने वाले किसी को भी, चाहे वो व्यक्ति हो या समूह हो, न ये देश कभी बर्दाश्त करेगा और न ही कोई सरकार बर्दाश्त करेगी। हर किसी को कानून के सामने झुकना होगा, कानून जवाबदेही तय करेगा और दोषियों को सजा देके रहेगा।